नमस्कार, मैं इंदुमति, तमाम प्रवक्ता सीडीडीएम राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है ड्राफ्ट ऑफ गैदर फ्रॉक। सबसे पहले गैदर फ्रॉक के लिए हम लोग मेजरमेंट्स लेंगे। लेंथ 50 सेंटीमीटर्स, चेस्ट 56 सेंटीमीटर्स, वेस्ट 55 सेंटीमीटर्स, अक्रॉस बैक 23 सेंटीमीटर्स एंड वेस्ट लेंथ 23 सेंटीमीटर्स। अगर हम इसमें स्लीव्स अगर लगाना चाहे तो हम स्लीव्स के भी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रंट पार्ट। सबसे पहले हम वेस या गाइडलाइन जो हम मैंने आपको बताया था फाउंडेशन लाइन के अकॉर्डिंग, तो हम सबसे पहले वेस्ट लाइन खींचेंगे 0 to 1। 0 to 1 हम लेंगे वेस्ट लेंथ। वेस्ट लेंथ आपकी 23 सेंटीमीटर्स है, तो हम 23 सेंटीमीटर्स लेके प्लस 1 सेंटीमीटर फॉर सीम अलाउंस। इसके बाद हम लेंगे 0 to 3। ये मैं आपको फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। पहले 0 to 3 हम लेंगे हाफ एक्रोस बैक। एक्रोस बैक हमने लिया है 23 सेंटीमीटर्स, 23 का हम हाफ लेंगे तो 11.5 सेंटीमीटर्स आएगा, तो 0 to 3 हमें 11.5 सेंटीमीटर्स लेना है। 3 to 4 इक्वल टू 0 to 2। 0 to 2 हमने लेना है 1/4 ऑफ चेस्ट, चेस्ट का 1/4 पार्ट। तो जितना हमने 0 to 2 लिया उतना हमने 3 to 4 लेना है। ज्वाइन 3 to 4 एंड 0 to 3। 2 to 5 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर्स। 2 to 5 1/4 ऑफ चेस्ट, चेस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें प्लस 2.5 सेंटीमीटर्स हमने करना है। 1 to 6 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 2.2 सेंटीमीटर। ये चेस्ट है तो इस वजह से हमने इसमें 1/4 ऑफ चेस्ट लिया। नीचे हमारा वेस्ट आता है, इस वजह से हम लोग इसमें 1/4 ऑफ वेस्ट लेते हैं प्लस 2 सेंटीमीटर। ज्वाइन 5 to 6। 0 to 7 0 to 7 हम जो हमारी जो नेक की विड्थ लेंगे वो हमेशा चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। चेस्ट का हम लोग 1/12 ऑफ पार्ट लेते हैं या नेक साइज़ के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। 0 to 7 हम 1/12 ऑफ चेस्ट लेंगे फॉर नेक विड्थ। 3 to 10 नीचे की तरफ हम 1.5 सेंटीमीटर लेंगे फॉर शोल्डर स्लोपिंग के लिए। 0 to 8 फ्रंट पार्ट के लिए हम नेक लाइन लेंगे 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। ज्वाइन 7 to 8 विथ कर्व ऑफ फ्रंट नेक लाइन। 11 इज द मिड पॉइंट ऑफ 4 to 10। 4 to 10 का 11 हम मिड पॉइंट लेंगे। 11 to 12 1 इंच सेंटीमीटर अंदर की तरफ लेंगे फॉर आर्म होल डेप्थ के लिए। अब हम ज्वाइन करेंगे 10, 12 एंड 5। इनको हल्का सा कर्व शेप लेते हुए हम फ्रंट आर्म होल शेप का ड्रॉ करेंगे लाइन। इस तरह से ये आपका फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट आगे का है। ऑन फोल्ड का मार्क हमने लगा रखा है क्योंकि ये कट वन में होगा, ऑन फोल्ड रहेगा। ग्रेन मार्क स्ट्रेट ग्रेन में कटेगा ये। इसके बाद हम लेंगे अपना बैक पार्ट। अब हम लेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट के बाद हम लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट का हमारा प्रोसेस वही रहेगा ड्रॉ करने का, बस थोड़े बहुत इसमें डिफरेंस होंगे जैसे नेक लाइन में, आर्म होल में, और हमने पैटर्न बटन स्टैंड लिया है बैक पार्ट में। तो सेम मैं आपको बता देती हूँ। 0 to 1 वही हम लेंगे वेस्ट लेंथ प्लस 1 सेंटीमीटर्स। 0 to 2 हम लेंगे 1/4 ऑफ चेस्ट जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया था। 0 to 3 हाफ एक्रोस बैक। 3 to 4 इक्वल टू 0 to 2। 2 to 5 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर हमको लेना है इसकी वेथ। 1 to 6 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। जैसा हमने फ्रंट पार्ट में लिया है वैसे हमने बैक पार्ट भी सेम रखना है। 0 to 7 नेक विड्थ हमने लेना है 1/12 ऑफ चेस्ट। चेस्ट हमारा 56 सेंटीमीटर से 56 का हम 12 पार्ट निकालेंगे तो हमारी नेक विड्थ आ जाएगी। तो 1/12 ऑफ चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नेक विड्थ लेनी है। 0 to 9 हमें बैक पार्ट 3 सेंटीमीटर्स मैंने नेक की डेप्थ रखी है। आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर्स भी करते हो, 3 भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 सेंटीमीटर्स आपको नेक विड्थ दिए। 3 to 10 1.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेंगे फॉर शोल्डर स्लोपिंग के लिए। ज्वाइन 10 to 7 एंड 7 to 9
10 टू 7 हम लेंगे शोल्डर लाइन के लिए और 7 टू 9 ज्वाइन करेंगे हम स्लाइडली कर्व शेप के लिए बैक नेक लाइन के लिए। 11 इज द मिड पॉइंट ऑफ 10 टू 4 ज्वाइन। अब हम लोग आर्म होल के लिए ज्वाइन करेंगे। फ्रंट में आर्म होल में हमको हल्की सी अंदर की तरफ डेप्थ ली है, इसमें नहीं है, बैक पार्ट में ज्वाइन 10 11 एंड 5 को बैक आर्म होल शेप के लिए हम लोग इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब हम लेंगे इसमें बटन स्टैंड। बटन स्टैंड के लिए आपको लेना है नेक लाइन से, जो आपकी नेक लाइन से, नेक लाइन से आपको लेना है 9 to 12। आप ले सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर अपन बटन स्टैंड ले सकते हैं। 1 to 13 भी आपको 9 to 12 के अकॉर्डिंग लेना है ज्वाइन 12 to 13। इस तरह से हमारे बैक पार्ट हो गया। हम चाहे तो फ्रंट में भी हम बटन स्टैंड रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम बैक पार्ट में बटन स्टैंड रखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटेगा और कट वन में, क्योंकि ये ओन फोल्ड है। ये ओन फोल्ड नहीं है तो हमारा बैक पार्ट कटेगा कट टू में। अब हम आते हैं स्कर्ट गैदर्स। अब मैं आपको, ये हमारा बॉडीज ब्लॉक हो गया, बॉडीज पार्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी इसका नीचे का स्कर्ट पार्ट। हमने ऊपर का बॉडीज पार्ट बना लिया, अब हम बात करेंगे इसके गैदर पार्ट के लिए। गैदर पार्ट के लिए सबसे पहले हम लेंगे 0 to 1 लेंथ ऑफ फ्रॉक माइनस वेस्ट लेंथ प्लस 3 सेंटीमीटर बॉटम फोल्डिंग। जितनी हमने फ्रॉक की लेंथ ली है उसमें से हमने बॉडीज पार्ट जो बना लिया वेस्ट लेंथ, उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद 3 सेंटीमीटर ऐड करेंगे वो बॉटम फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से 0 to 1 लेंथ ऑफ फ्रॉक माइनस वेस्ट लेंथ, 1 to 2 3 सेंटीमीटर फॉर बॉटम फोल्डिंग। 0 to 3 हम लेंगे 1/4 वेस्ट इंटू 2। 1/4 वेस्ट हमारा जितना भी आता है, वेस्ट हमारा 55 है, 55 को अपन 1/4 भाग निकालेंगे उसका, जो आएगा उसको 2 से हम इंटू करेंगे। जितना अपने आएगा उतनी हम इसकी गैदर पार्ट की विड्थ लेंगे। 3 to 4 इक्वल टू 0 to 1, 3 to 5 इक्वल टू 1 to 2। हम इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा बॉटम फोल्डिंग हो गया है और इस तरह से हमारे ये गैदर्स पार्ट का तैयार हो चुका है। सिंपल मेथड से हमने ऑन फोल्ड रखा है, ये कट टू में कटेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। फ्रंट आगे के लिए अलग गैदर्स और बैक के लिए अलग गैदर्स। तो इस तरह से हमारा ये ग्रीन मार्क है, स्ट्रेट ग्रीन में ये कटेगा और ये ऑन फोल्ड है, इसके ऑन फोल्ड में है। तो ऑन फोल्ड में रख के अपन को 1/4 वेस्ट का जो अपना 1/4, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई इन टू करना है। उसके बाद अपन को ये अपनी विड्थ आ जाएगी फॉर चुन्नट के लिए। इस तरह से हमारा गैदर फ्रॉक का नीचे का स्कर्ट पार्ट तैयार हो गया। जब हमारा स्कर्ट पार्ट तैयार हो गया तो इस तरह से हमारा गैदर फ्रॉक शो होता है। अगर हमको स्लीव्स लगाना चाहें तो हम स्लीव्स भी लगा सकते हैं।